नमस्ते, मैं हुमानव, आप देख रहे हैं द पंचायत। अतिथि भगवान समान होता है, वाह क्या लाइन है, सुन के हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। सबको लगता है कि जैसे वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है, उस हिसाब से वाकई भारत में कुछ तो बात अलग है। बाहर से लोग बस इसी उम्मीद में भारत आते हैं, उन्हें यहाँ काफी कुछ देखने को मिलेगा, ये उनके जेहन में चलता रहता है। लेकिन वो बाकी चीजें देख पाए उससे पहले ही यहाँ के लोग उन्हें इतना ज्यादा लूट लेते हैं कि वो अगली बार इस देश में ना आने की बात कहकर वापस लौट जाते हैं। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जब किसी विदेशी को कभी सुविधा के नाम पर तो कभी सीधे ही लूट लिया गया हो। पीएम नरेंद्र मोदी साहब सही कहते हैं कि देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है। भारत की तरक्की से जुड़ी एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, पर यकीन मानिए इसको सुनकर आपको गर्व तो बिल्कुल नहीं होगा। 18 अक्टूबर की सुबह सुबह एक अमेरिकी यात्री जॉर्ज वान मीटर दिल्ली आता है। उसको अपने होटल जाना होता है तो वो एक टैक्सी किराए पर लेता है और पहाड़गंज एरिया में पड़ने वाले होटल चलने को बोलता है। लेकिन टैक्सी वाला रास्ते में लगे पुलिस बैरिकेड के पास गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि त्योहारों के चलते आगे की सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। इसके बाद टैक्सी वाला उस विदेशी को कनॉट पैलेस में पड़ने वाले एक फर्जी टूर एजेंसी में लेकर जाता है। टूर एजेंसी के लोग उस विदेशी को यकीन दिलवाते हैं कि त्योहार के चलते दिल्ली को बंद कर दिया गया है। वो कथित रूप से उसकी बात पहाड़गंज के उस होटल में भी करवाते हैं जहां पर उस विदेशी ने बुकिंग की थी। कथित होटल वालों की तरफ से बोला जाता है कि होटल के सभी रास्ते भाई साहब बंद कर दिए गए हैं और वहां पर आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप होटल ना आइए। इसके बाद जॉर्ज को थोड़ा शक होता है तो टैक्सी को छोड़ देता है और एक ऑटो में जाकर बैठ जाता है। लेकिन ऑटो ड्राइवर भी डिट्टो टैक्सी वाले की बात को दोहराते हुए कहता है कि शहर बंद है और वो वहां से नहीं जा सकता। जॉर्ज को वहां से फटाफट निकलना होता है, इसलिए फटाफट वो ऑटो चालक से रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद ऑटो चालक उसे एक दूसरी टूर एजेंसी में लेकर जाता है और वहां पर भी, यानी दूसरी टूर एजेंसी में भी, शहर बंद होने की कहानी दोहराई जाती है। उसे कहा जाता है कि दिल्ली शहर बंद है। विदेशी के मना करने के बावजूद भी उसके जयपुर और आगरा में होटल बुक कर दिए जाते हैं। जॉर्ज को इस तरह फंसा गया कि उसके सामने दिल्ली छोड़ने के अलावा बाकी कोई चारा ही नहीं बचा था। उसने वहां रुपए दिए, यानी टूर एजेंसी को रुपए दिए और आगरा के लिए निकल गया। इसके बाद जॉर्ज आगरा पहुंचता है और पहाड़गंज के उस होटल में फोन करता है जहां पर उसने होटल बुक किया था। अब होटल के जो कर्मचारी जॉर्ज को बताते हैं उससे उसके होश उड़ जाते हैं। होटल के कर्मचारी जॉर्ज को कह रहे हैं कि शहर बंद नहीं है, सभी सड़कें खुली हैं। इसके बाद जॉर्ज वापस दिल्ली आते हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे कांड के दौरान इस विदेशी यात्री से 90,000 से ज्यादा पैसा लूटा जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या यही है वसुदेव कुटुंबकम? क्या यही है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत? क्या यही है वो देश जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ अतिथियों का सम्मान होता है? सोचिए, जिस नागरिक के साथ लूट हुई है, क्या वो अगली बार भारत आने की हिम्मत करेगा? वो ही क्यों, वो जितने लोगों को बताएगा उतने ही लोग भारत से नफरत करेंगे। चंद रुपये के लालच में हम इंसान इतने स्वार्थी हो गए हैं ना कि अब हमें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि गांधी और महात्मा बौद्ध का देश है, लुटेरों का नहीं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आपने देखी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।